तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड के क्लास 10 और क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है और कब तक आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जाएगा इसको लेकर के एक अपडेट सामने आ रही है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को कि किस दिन आप सभी के रिजल्ट को जारी किया जाएगा, क्योंकि अब सीबीएसई के रिजल्ट को भी जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं, ये जो पेपर कटिंग है आपका आज के न्यूज़पेपर का पेपर कटिंग है। देखिए, इसमें अपडेट आया हुआ है कि जैक मैट्रिक व इंटर साइंस का रिजल्ट 20 के बाद, यानी कि जो क्लास 10 और क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट है, ये आपका 20 मई के बाद एक साथ जारी किया जाएगा। आगे मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो क्लास 12 आर्ट्स और कॉमर्स वालों का रिजल्ट है वो कब तक जारी करने की संभावना है। देखिए, इसमें सारा कुछ आपका डिटेल में बताया गया है कि राज्य में मैट्रिक व इंटर साइंस का रिजल्ट एक साथ 20 से 25 मई के बीच जारी किया जा सकता है। यानी कि जो क्लास 10 और क्लास 12 के साइंस स्ट्रीम वालों का रिजल्ट है, ये आपका 20 से 25 मई के बीच जारी करने की संभावना है। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है, इसके बाद इंटरमीडिएट कला व वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिन मूल्यांकन केंद्रों द्वारा अंक पत्र नहीं भेजा गया है उन्हें इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। यानी कि जो भी कॉपी जांच सेंटर के द्वारा क्या होता है, देखिए पहले समझिए, देखिए आपका कॉपी जांच हुआ, कौन से बच्चे का कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया, उसका एक रजिस्टर बनाया जाता है। उस रजिस्टर को क्या किया जाता है, जैक के पास भेजा जाता है। फिर जैक उस रजिस्टर को देख करके क्या करता है, अपने नंबर को मतलब कंप्यूटर में अपलोड करता है, फिर आपके रिजल्ट को जारी किया जाता है। तो बहुत सारे जो आपका कॉपी जांच सेंटर है उन्होंने रजिस्टर बना करके आपके जो कह सकते हैं अंक पत्र को या आपका जैक को भेज दिया है, और बहुत सारे जो सेंटर हैं उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। तो जो भी अभी तक नहीं भेजे हैं उसको एक नोटिस जारी किया गया है और उचित दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी वो कॉपी जांच करके खत्म करें ताकि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। ठीक है, तो यही आपके लिए अपडेट था। मैं बता देना चाहूँगा कि जो आपका क्लास 12th के आर्ट्स और कॉमर्स वालों का रिजल्ट है, ये आपका जैसे ही मान के चलिए आपका कितना 25 को जारी कर दिया जाएगा। ये उम्मीद है कि 25-26 तारीख को आपका मैट्रिक और इंटर साइंस वालों का रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 25 को जैसे ही आपका मान के चलिए 25 से 26 को जारी होता है, उसके बाद आपका 4 से 5 दिनों के बाद आपका आर्ट्स और कॉमर्स वालों के रिजल्ट को भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका क्लास 8, 9 और 11 वालों का रिजल्ट है उसके 15 दिन बाद, कितने, उसके 15 दिन बाद आपका 8, 9 और 11 वालों के रिजल्ट को भी जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट था आप सभी के लिए। और भी कुछ अपडेट आप सभी के रिजल्ट को लेकर के आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।